बहुत से काम है इस क्षेत्र में जो हम लोगों ने कराए हैं। लागत 25 करोड़ रुपए की है, बहुत लंबी पुरानी मांग थी। उस काम को आज हम लोगों ने शुरुआत की है और 10 महीने में इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। जो हम लोगों ने पहले टेकअप किया था, आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। क्षेत्र के लोगों की सभी उम्मीदों पर खरा उतरना, नौजवानों को जो उम्मीदें केंद्र सरकार से थी भाजपा से, उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। बहुत से काम है इस क्षेत्र में जो हम लोगों ने कराए हैं। जैसे आपने देखा, आज ये कॉजवे का काम चालू हम लोगों ने किया है। इसकी लागत 25 करोड़ रुपए की है। 2 दर्जन गांवों को इसका फ़ायदा मिलेगा। पानी का जो लेवल है उसमें लोगों को लाभ मिलेगा। कुएं और ज़मीन के अंदर जो पानी है उसमें लोगों को एक लंबे समय तक राहत मिलेगी। और आने जाने के लिए जो रास्ता बहुत लंबी पुरानी मांग थी, उस काम को आज हम लोगों ने शुरुआत की है और 10 महीने में इस काम को हम लोग पूरा करेंगे। सड़क निर्माण हो, स्कूल, चिकित्सा, शिक्षा, भवन निर्माण, उन सभी कामों को जो हम लोगों ने पहले टेकअप किया था, आज हम उसको पूरा कर रहे हैं। और भी इलाके में जो लोगों की डिमांड्स आएंगी सबको पूरा करेंगे। क्षेत्र के लोगों की सभी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरी पहली प्राथमिकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि समय रहते ही सभी कामों को हम लोग अंजाम देंगे। 15 महीने का समय बाकी रह गया है। मैनिफेस्टो पे कई वैसे वादे हैं जो अब तक पूरे नहीं किए। अधिकांश मांगों जो हमने मैनिफेस्टो वादे किए थे, अधिकांश पर हम लोगों ने काम किया, पूरे भी किए हैं। जो कुछ कुछ प्रतिशत जो बचा हुआ है उसको अगले एक साल में हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन हम लोगों ने जिस रास्ते पर जाने का निर्णय किया था वो क्षेत्र का विकास और यहाँ का डेवलपमेंट पहली प्राथमिकता है। अब सिर्फ जज्बाती मुद्दों उठाकर राजनीति करना वो हमारी परिपाटी नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा, आप देखो केंद्र की सरकार हमारी थी तो देश में नरेगा का कानून हम लोग लेकर आए, शिक्षा का अधिकार हम लोग लेकर आए, सूचना का अधिकार हम लोग लेकर आए, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हम लोग लेकर आए, और जो बीमा योजनाएं हैं मैं समझता हूँ कांग्रेस से सरकारों से बेहतर बीमा योजना कहीं बनी नहीं है। तो हम लोग चौतरफी जो हमारा विकास का एजेंडा है उसको लेकर हम काम करते हैं। लेकिन आप जो हालात देश में बने हैं, आज महंगाई सबसे ऊंची दर पर है और वित्त मंत्री जी का जो भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर वो सच्चाई से परे था, क्योंकि आज पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद्य पदार्थ, उनकी महंगाई आसमान छू रही है। बेरोजगारी का ऐतिहासिक आंकड़ा हमारे देश में लोग पार कर चुके हैं। तो इन दो मुद्दों पर, नौजवानों को जो उम्मीदें केंद्र सरकार से थी भाजपा से थी उसको पूरा नहीं कर पाए हैं, और केंद्र में जो बैठे लोग हैं वो समझते हैं कि सिर्फ जब चुनाव आएंगे तब हम लोग ऐसे मुद्दों को हवा दें, चाहे वो धर्म के हों, जाति के हों, आपस में टकराव पैदा करें और इस पर चुनाव जीत जाएं। लेकिन पब्लिक विकास चाहती है, और 8 सालों के केंद्र के शासन के बाद अब जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मुद्दों को लेकर, जो जज्बाती मुद्दे हैं, भावनात्मक मुद्दे हैं, उसको हवा दी है, धरातल पर काम हुआ नहीं। आज किसान की कमर टूटी है, मध्यम वर्ग बहुत विचलित है क्योंकि कमाई कम हो रही है, उद्योग लग नहीं रहे, और जैसे मैंने कहा ना तो कालाधन खत्म कर पाए हैं, ना करप्शन को ख़त्म कर पाए हैं। तो तमाम जो वादे थे उनके वो दरअसल हो गए। लेकिन जो आपसी कलह है उसका कोई विकल्प नहीं है। बहुत महत्वाकांक्षी नेता हैं और विपक्ष की भूमिका निभाने के बजाय वो लोग ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम आसानी से सत्ता में आ जाएं, और सब लोग अपनी अपनी एक दूसरे को खींचतान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि एक विपक्ष का जो एक जिम्मेदारी निभाने का जो एक काम होता है उसको भी भाजपा पूरी तरह कर पा रही है। यहाँ तक ARCB वाला मामला है वो तो केंद्र सरकार ने उसको बिल्कुल मदद करने का मना कर दिया है, लेकिन सिंचाई के जो भी साधन हैं, जो मैंने पहले कहा था, उस काम को हम लोग कराएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जो डिपार्टमेंट भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं उस पर तो थोड़ी बहुत तो उनको या तो सैंक्शन देनी पड़ेगी या धनराशि देनी पड़ेगी। अब रेल का मामला है वो पूर्ण तरह केंद्र सरकार का है, और मैंने रेल मंत्री से बात भी करी है, लेकिन कोई सकारात्मक वहाँ से जवाब आया नहीं। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आई काम करने। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।